इसमें देखो, इस सवाल में क्या कहते हैं कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे के पास मूव कर रही हैं अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, टू ट्रेन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन टुवार्ड ईच अदर, मतलब टुवार्ड ईच अदर मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, दिस इज़ द ट्रेन ए और एक ट्रेन इधर से आ रही है अपनी, तो ये ट्रेन ए है मान लेते हैं, और एक ट्रेन इधर से आ रही है जो कि ये ट्रेन बी है, ठीक है ना, तो दिस इज़ द ट्रेन बी। अब ये इधर से आ रही है, चलो मान लो किसी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो पे सेम स्टेट, अलग इसकी स्पीड बी वन है, ठीक है ना, तो बी वन इज इक्वल टू कितना है, 60 किलोमीटर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 मतलब किलोमीटर में, 5/18 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर में लिखना है, और ये इधर से 30 से आ रही है, ठीक है ना, तो ये इसकी स्पीड V2 है, तो 80 इज इक्वल टू जीरो मतलब ये जब समय जीरो था तब मैं अगर देखना स्टार्ट करता हूँ तो इनके बीच 90 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद टाइम इन दे कोलाइड इच अदर, तो जब ये कोलिजन करेंगे उस वक्त क्या होगा यार, तो जब इनके बीच कोलिजन होगा तो कोलिजन होने के बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो 90 किलोमीटर का सेपरेशन है, ये 90 किलोमीटर का सेपरेशन क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो हो जाएगा, रिलेटिवली क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ से इधर आ गया आई और ये यहाँ आई, इस पॉइंट पर अगर कोलिजन हुआ सी पॉइंट पे, तो ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों कवर कर लेंगे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लगाता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के अलोंग मतलब रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से करता हूँ। तो ये जब दोनों डिस्टेंस मूव करेंगे तो दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस 90 किलोमीटर होगा, और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, और दोनों को इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टी लगा, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी वन माइनस बी टू मैं लिख सकता हूँ वेक्टर, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, और बी वन अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी वन माइनस बी टू मतलब ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, तो डिस्टेंस में टाइम ऑफ कोलिजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 और डिवाइडेड बाई बी वन प्लस बी टू, तो 90 अगर तुम देखोगे तो, और बी वन प्लस बी टू मतलब ये आ जाएगा 60 प्लस 30, ये भी 90, तो 1 आवर मतलब 1 घंटे के बाद अगर ये दोनों आते हैं तो 1 घंटे के बाद ये कोलिजन हो ही जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा, थैंक यू।